नमस्कार। इस वक्त राजस्थान मौसम को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। एक बार फिर राजस्थान में मॉनसून एक्टिव होगा और 4 अगस्त को 4 जिले में भारी बरसात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश होगी। राजस्थान के पिछले कई दिनों से सुस्त मानसून एक बार फिर एक्टिव हो रहा। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को पूरे प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन गुरुवार को 4 अगस्त से मॉनसून की बरसात का दौर फिर शुरू हो जाएगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से मॉनसूनी हवा एक बार फिर उत्तर व पश्चिमी आना शुरू हो गई, जिससे मॉनसून एक्टिव होगा और अच्छी बरसात होगी। गुरुवार को प्रदेश के 4 जिलों में भारी बरसात होगी। वहीं 4 जिले के साथ साथ 12 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बरसात की संभावना बन सकती है। हालांकि मंगलवार को दोपहर के बाद कई हिस्सों में भारी बरसात रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर समेत दिन में धूप और बादलों की आंख मिचौली चलती रही। कभी बादल छाए तो कभी धूप निकल गई। दोपहर के बाद अचानक मौसम बदला और कई जिलों में बारिश देखने को मिली। अगर हम आगामी दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक 4 अगस्त के दौरान अलवर, झालावाड़, झुंझुनू, सीकर में भारी बरसात के साथ ही राजसमंद, सीकर, करौली, कोटा, उदयपुर, चूरू, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, बारा, अजमेर में मेघ गर्जन के साथ बरसात हो सकती है। यह बारिश का सिलसिला लगातार 6 अगस्त तक जारी रह सकता है। 5 अगस्त को भी बांसवाड़ा, बारा, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर में भारी बारिश, जबकि भरतपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, टोंक और उदयपुर में मेघ गर्जन के साथ बरसात हो सकती है। और 6 अगस्त को भी सवाईमाधोपुर, कोटा, करौली, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, अलवर, बारा, भरतपुर, जयपुर में भारी बरसात का साथ ही उदयपुर, टोंक, प्रतापगढ़ मेघ गर्जन के साथ भारी बरसात की संभावना बन सकती है। मौसम की हर अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।